आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, युवक की हत्या, ममेरे भाइयों से झगड़ा हुआ था। युवक की हत्या की खबर है बीकानेर से। इस वक्त खबर ये कि ममेरे भाइयों से कोई विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, घनश्याम दान की मौत हुई, देर रात जमकर पिटाई उसकी की गई थी। ये जानकारी है। नोखा थानाधिकारी ईश्वर ने कहा है कि FIR ली जा रही है, दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। ये कहा गया है थानाधिकारी के द्वारा। वो कह रहे हैं कि FIR ली जा रही है और साथ ही जो दोषी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या पूरा मसला बताया जा रहा है, हत्या के पीछे क्या वजह? देखिए दीपा, ये जो है नोखा थाना इलाके की देगला गांव की घटना है। देर रात जो है एक तरह से कहा जा सकता है पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ममेरे भाइयों में झगड़ा हुआ। जो थानाधिकारी ईश्वर वो कह रहे हैं कि अभी तक तो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ अवैध संबंधों जैसी बात भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम चीजें आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर में पुलिस जो है क्लियर करेगी। और कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, टीमें बनाई गई हैं। तो देखिए कुल मिलाकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोपी जो है नाम से FIR दी गई है, पुलिस उनको तलाश कर रही है। अच्छा लक्ष्मण, कब से इनका विवाद चल रहा था? क्या पहले भी इस विवाद को लेकर कोई शिकायत की गई थी पुलिस में? कोई जानकारी से पहले पुलिस को मिली थी क्या? इस तरह कोई शिकायत पहले पुलिस स्टेशन में नहीं दी गई थी। कल रात को ही ये झगड़ा हुआ, आपसी में मारपीट इसके साथ की गई। और ये घनश्याम दान जो है फलोदी का रहने वाला है, ननिहाल अपने यहाँ पर आया था और मेरे भाइयों ने इसके साथ ये मारपीट की, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।